हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके सामने एक रेक्टेंगल लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको ये जो तीन ट्रायंगल बन रहे हैं उसका एरिया दिया गया है। इसका 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। आपको बीच में जो एक ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। अगर आपको करना है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। अगर जो भी सॉल्यूशन का आपका आंसर आया वो मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपसे नहीं हुआ तो वीडियो कंटिन्यू रखो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, एक बात ध्यान रखो कि ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। मतलब क्या होगा, तो कि ये रेक्टेंगल है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो मान लो कि ये साइड का माप ए है और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ऐसे। तीन यहाँ पे भी 90 डिग्रीज है, यहाँ पे भी 90 होगा और यहाँ पे भी 90 होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। तो क्या होगा कि ए साइड तो ए है, इसका एरिया क्या है, मान लो एक्स, इसका एरिया मान लो वाई और इसका मान लो जेड और इसका डब्ल्यू है। तो हमें डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, तो एरिया क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 1/2 ए साइड ए इंटू इतनी साइड। मान लो कि ये साइड मेरी एम है, तो कि ए इंटू एम। अभी हमें एम की वैल्यू निकालनी है, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, 2x/a। यहां से आप एम की वैल्यू निकाल दी, 2x/a। मतलब कि हमारे पास ए इतना साइड की वैल्यू क्या है, 2x/a। पूरा हमारा क्या है, बी, इतना मुझे मिला 2x/a, तो इतना क्या होगा, b माइनस 2x/a। समझ में आ रहा है, इट इज ओके। वैसे ही एरिया y दिया गया है, तो y इज इक्वल टू 1/2, ये क्या है पूरा b, तो b इंटू इतने को मैं n कह देता हूँ अभी फिलहाल। तो n की वैल्यू क्या होगी, तो कि 2y/b। तो अभी मेरे पास इसकी लेंथ कितनी आ गई, 2y/b। ये पूरा मेरा ए है, देखिए आप, तो इतना मुझे क्या मिलेगा, तो कि ए माइनस 2y/b। समझ रहे हो आप, ओके। तो जेड का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या आप देखिए कि जेड इज इक्वल टू 1/2 ए लेंथ इंटू ए लेंथ। तो ए लेंथ कितनी है, बी माइनस 2x/a इंटू ए माइनस 2y/b। बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखना। तो अभी हमें क्या करेंगे कि मैं 2 को यहाँ पे भेज देता हूँ, तो क्या होगा, 2z इज इक्वल टू, अब मैं इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो क्या होगा, बी ए माइनस 2y। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4xy अपॉन ए इंटू बी। अब 2z को मैं इक्वल टू की ये साइड ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए इंटू बी माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इंटू xy डिवाइड बाई ए बी। अब आप ये तीन टर्म देखो, यहाँ पे आपको 2 कॉमन निकाल देता हूँ, मैं माइनस 2 कॉमन निकालता हूँ, तो ए बी माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 इंटू xy डिवाइड बाई ए बी। अब मैं क्या करता हूँ, तो कि यहाँ पे ए बी है, मतलब कि बोथ द साइड में ए बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 0 इंटू ए बी 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू x प्लस y प्लस z इंटू ए बी प्लस 4xy, ए बी कैंसल आउट। तो अभी आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, एक इक्वेशन बन रहा है क्वाड्रेटिक, देखो। तो कि इसको मान लो एक्स है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस ये कोई टर्म ए एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ए बी का सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप देखो ए इंटू बी क्या होगा, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया होगा, क्योंकि ये साइड की लेंथ ए है, ए की, और यहाँ पे बी है, तो पूरा एरिया हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू, मतलब कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
माइनस यहाँ पे बी आएगा ना, माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू ए सी, ये नॉर्मल फॉर्मूला है हमारा। तो अब क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी मतलब कि ये ए बी का जो भी कोफिशिएंट है माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, समझ रहे हो, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वेयर मतलब कि इसका स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, तो यहाँ पे मैं वो टर्म लिख देता हूँ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर क्या होगा, फोर एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसका स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। तो ए का कोफिशिएंट तो वन है, सी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ये होगा सी का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कि फोर इंटू सी की वैल्यू क्या है, फोर एक्स वाई, तो ए वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो क्या होगा कि फोर एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसका स्क्वायर माइनस फोर सिक्सटीन एक्स वाई। ओके, समझ रहे हो, डिवाइड बाय टू ए, ए की वैल्यू तो वन है, डिवाइड में क्या बचेगा सिर्फ टू। अब आप देखो जो स्क्वायर रूट है वहां से आपको टू कॉमन दिख रहा है, मतलब फोर कॉमन दिख रहा है, फोर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा टू, तो वो लिख देते हो अब, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस और माइनस टू आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वेयर, और यहाँ पे फोर इंटू फोर मतलब कि अब फोर बचेगा, डिवाइड बाय टू, ऊपर से टू कॉमन निकाल दो, नीचे टू है, कैंसल आउट वन हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या बचा, तो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस और माइनस। अब माइनस वाला टर्म नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तो यहाँ पे आप देखिए ए इंटू बी क्या है, तो कि रेक्ट एंगल का एरिया, तो रेक्ट एंगल का एरिया में एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तीन दिख रहे हैं आपको, प्लस जो आएगा वो डब्ल्यू वाला टर्म होगा, मतलब कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड उसमें आप कुछ उमेरेंगे, मतलब कि कुछ ऐड करेंगे तो ही ये पूरा एरिया होगा। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो क्या होगा कि इनसे भी छोटा एरिया मिल जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो प्लस वाला ही बचेगा। और यहाँ पे क्या आया, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स इंटू वाई। आपको इतना पता चल गया कि एक्स वाई जेड तो ये तीन टर्म है ही, तो ये जो बचा वो क्या होगा, क्योंकि तो ये जो डब्ल्यू दिख रहा है वो, तो ये हमारा है डबल, क्योंकि ए बी का एरिया क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, तो कि डब्ल्यू ही फाइंड करना है, तो बस डब्ल्यू का फॉर्मूला ये हुआ। तो ये हम अप्लाई करते हैं और वैल्यू रखते हैं, तो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, डब्ल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स इंटू वाई। देन डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड की वैल्यू है, एक्स मतलब कि ये एरिया, तो कि फोर, वाई मतलब कि ये एरिया थ्री, जेड मतलब कि नीचे वाला एरिया, तो कि वो दिया गया है फाइव, उसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स इंटू वाई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फोर थ्री जा ट्वेल्व। ओके, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, तो कि ट्वेल्व, फोर थ्री सेवन, सेवन फाइव ट्वेल्व, ट्वेल्व का स्क्वायर माइनस फोर्टी एट। ओके, इट इज ओके। अब क्या होगा, तो कि ट्वेल्व का स्क्वायर 144 माइनस 48, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 9, 96 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो क्या आप देखिए, तो कि मैं इसको लिख सकता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो कि 66 हो जाएगा ना, 66, तो क्या होगा 16 का तो क्या होता है 4, तो उसका बाहर निकल देंगे 6। ओके, समझ में आया। अब देखिए, क्योंकि तो फोर इंटू रूट सिक्स आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.80 आएगा। तो हमें जो ये डब्ल्यू है उसका एरिया क्या मिला, कि
कि 9.80। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे ही एग्जांपल आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।